नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं खबर हिमाचल प्रदेश। खबरों की शुरुआत करते हैं हिमाचल कांग्रेस ने चुनावी बिसात बिछाने का काम। सभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हिमाचल कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इच्छुक उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के लिए कोरे कागज पर आवेदन मांगे हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क रखे गए हैं। वहीं हिमाचल के कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये व्यवस्था तय की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। आपको बता दें कि उम्मीदवार को अपना आवेदन पूरे बायोडाटा के साथ भेजना होगा। वहीं बीजेपी द्वारा कांग्रेस के G23 को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर नरेश चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन बीजेपी में नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं बोल सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से बाहर निकाल दिया है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी दरकिनार कर दिया गया है। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी में क्या स्थिति है, बीजेपी नेता उसी को देखें, कांग्रेस पर टिप्पणी करना छोड़ दे। भाजपा को मुझे लगता है कि अपने दल के अंदर परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से काफी लोग हिमाचल में भी भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में भी हैं, अभी भी हैं। दूसरी बात, बालनाटा जी ने जो सवाल किया G23 की जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र तो है, वहां लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपने नेता हैं, अभी भी हैं। दूसरी बात, बालनाटा जी ने जो सवाल किया G23 की जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र तो है, वहां लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपने नेता से आवाज उठा सकते हैं, अपनी कंसर्न्स अपने लीडर से रख सकते हैं। वो चल रहा है, वो अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी की हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिलते हैं, बातचीत होती है, कुछ चीजों के समाधान हो चुके हैं, बहुत सारी चीजों की बातें हो चुकी थी। तो ये पार्टी की इनर डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की, कि वहां लोगों को बोलने का मौका तो मिलता है। मैं इनसे सवाल करता हूं कि आप भाजपा के बारे में बताएं, क्या वहां कोई लोकतंत्र है? कोई सवाल कर सकता है नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से? और इसी बीच वक्त हो चला है बहुत छोटे ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचलवासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए, जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं कर पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे।
हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिमकेयर कार्ड की भी। इस हिमकेयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285,35,00,000 रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हाटी समिति की श्रमला इकाई को उम्मीद है कि जनजातीय मामले से जुड़े फाइल पर केंद्र सरकार जल्द ही अपनी स्वीकृति की मोहर लगा देगी। ये बात श्रमला इकाई के हाटी अध्यक्ष प्रदीप श्रिंगटा ने कही थी। वही साथ ही उन्होंने कहा है कि रोनहाट में 17 सितंबर को महाकुंभली होने जा रही है। इस बीच अगर केंद्र ने यह मामला सुलझाया तो इसे जश्न रैली के रूप में तब्दील किया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हाटी आंदोलन में जिन भी लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है वो उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर गिरिपार क्षेत्र जनजातीय घोषित हुआ तो किसी भी जाति और वर्ग के हित प्रभावित नहीं होंगे। हाटी धर्म निरपेक्ष शब्द है और इसमें 14 जातियों के लोग शामिल हैं। ये 14 जातियों के का बड़ा परिवार है। केंद्रीय हाटी समिति सबके हित के बराबर पैरवी कर रही है। उन्होंने कहा है कि चंद लोग जाति के नाम पर लोगों को गुमराह कर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिमला के सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने तथ्यों सहित जवाब दिया। देखिए, जिस प्रकार से हमारा जो महाकुंभलियों का दौर है निरंतर चल रहा है। सर्वप्रथम इस जो हाटी महाकुंभली है और एक विशाल आंदोलन के रूप में जो हमारी महाकुंभलियां चली थी वो शिलाई विधानसभा क्षेत्र के रोनहाट से शुरुआत हुई थी, जिसमें हजारों लोगों ने फेज वन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन की थी। और फेज टू की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हमारी अभी 17 सितंबर को रोनहाट में प्रस्तावित है और जिसमें हजारों की संख्या में हाटी जो हमारे आंदोलनकारी है, हाटी समर्थक है और जो लोग हैं वहां के वो इकट्ठे होंगे और फिर से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और
और पर्यटन नगरी डलहौजी के गुरु सिंह सभा डलहौजी कैंट स्थित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से कीर्तन करने पंजाब से आए रागी जत्थे ने कीर्तन कर संगत को गुरु शरणों के साथ जोड़ा है। इस प्रकाश पर्व पर सिख समाज सहित अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कीर्तन में हिस्सा लिया है। इसके उपरांत गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया है। गौरतलब है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में स्वर्ण मंदिर में पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया था। पहली पातशाही से छठी पातशाही तक अपना जीवन सिख धर्म की सेवा में समर्पित करने वाले बाबा बुद्धा इस ग्रंथ के पहले ग्रंथी बने थे। गुरुद्वारा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरजिंदर सिंह वालिया ने कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। श्री डलहौजी कैंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले 11 साल तो यह उद्यम कर रहे हैं कि महाराज जी का पहला प्रकाश पर्व बड़े उत्साह से बड़ी धूमधाम नाल असीं मनाने हैं। इस साल फिर असी उसी चीज़ नूं गुरु महाराज जी का गुरपुरब जो पिछले 11-12 साल तो मना रहे हैं, पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो डलहौजी कैंट की पूरी संगत के सहयोग के नाल इस साल असी फिर गुरपुरब मनाया, जिस विच भाई गुरदयाल सिंह जी गुरदासपुर वाले जिन्होंने पूरी संगत को कीर्तन के द्वारा निहाल किया। सारी संगत का भी असी धन्यवादी हाँ, पूरे कैंट के असी संगत के धन्यवादी हाँ जिन्हों के सहयोग में असी गुरपुरब मनाया। और SFI का अखिल भारतीय जत्था शिमला पहुंचा है, वही SFI ने ये जत्था सरकार के खिलाफ निकाला है। दरअसल छात्र संगठन का आरोप है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था को खोखला किया जा रहा है। NEP 2020 को गैर लोकतांत्रिक तरीके से संसद में बिना चर्चा किए पास किया गया है और हिमाचल प्रदेश इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। वही देश और प्रदेश की BJP सरकार शिक्षा के बजट को लगातार कम कर रही है और PTA फंड के नाम पर छात्रों को लूट रही है। एक तरफ जहां सरकार को सस्ते शिक्षा मुहैया करानी थी और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, उसके बजाय सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को थोप कर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर और खत्म करने की कोशिश कर रही है। अखिल भारतीय जत्था शिमला पहुंचा है। SFI ने शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ 5 अलग अलग जत्थे पूरे देश के अंदर जो 1 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर को खत्म हो गए, इस नारे के साथ ये जत्थे पूरे देश के अंदर 5 अलग अलग जा रहे हैं। इन जत्थों के माध्यम से जो जबरन और गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति भाजपा सरकार और RSS अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर थोपी है, उसका विरोध हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। और परवाणु शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणु TTR चौक के पास सुबह लगभग 5 बजे एक सेब से लदा ट्रक पलट गया है, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद इसराइल जो कि गौड़ा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था उसकी मृत्यु हो गई है और एक शख्स जो है बुरी तरह से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए परवाणु ESI अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रक सेब लेकर शिमला से मुंबई जा रहा था। परवाणु TTR चौक से थोड़ी दूर पर अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर ने की है और बताया है कि दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक सरिया फैक्ट्री में शनिवार देर रात जोरदार ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट में 8 मजदूर झुलस गए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CM जयराम ठाकुर ने हादसे पर चिंता जताई है। जानकारी के अनुसार गवलथाई स्थित सरिया फैक्ट्री में रात करीब 2:50 पर अचानक भट्टी में जोरदार धमाका हुआ। भट्टी में ज्यादा स्टीम बनने के कारण ये ब्लास्ट हुआ है। इसकी चपेट में आने से 8 मजदूर झुलस गए हैं, वहीं 6 घायलों को PGI रेफर कर दिया गया है और 2 का ऊना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि हादसा फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ है। फैक्ट्री ने इन्हें
सेफ्टी किट नहीं दी थी फैक्ट्री में, इन्हें सेफ्टी किट नहीं दी गई थी। पुलिस ने झुलसे मजदूर दीप कुमार के बेटे वीर सिंह निवासी गांव बीपर जिला सोलन में शिकायत दर्ज कराई है। थाना कोटक हलूर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई। एक्चुअली क्या 2:30 बजे के अप्रोक्सीमेटली फर्नेस स्लैग ऑफ के लिए लिफ्टिंग की है। स्लैग ऑफ होने के बाद जैसे ही फर्नेस वापस आया तो उसका हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, तो एकदम उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ने से बॉटम से मेटल रश आउट हुआ और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, जिसमें हमारे 8 वर्कर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। 3 को माइनर इंजरीज थी, उनको हमने ऊना हॉस्पिटल। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।